यहाँ आरोहन वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो फ्री लिम्ब डोनेशन कैंप लगवाया गया है, उस कैंप में कुछ लोग यहाँ पर आए हैं उसे अटेंड करने के लिए, तो आइए इन्हीं से जानते हैं। हेलो, आपका स्वागत है यस टीवी में। थैंक यू मैम। आप मुझे कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, तो मैं गांव मलकपुर से आई हूँ, तो अपने लिए आई हूँ बूट लेने के लिए जी। हाँ जी, तो आपको यहाँ का इस वेलफेयर सोसाइटी के बारे में कहाँ से पता चला? मैं मुझे सर डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया था। कौन सी डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर त्यागी से। तो आप मतलब कौन से हॉस्पिटल में पहले जा रहे थे जहाँ से उनके थ्रू आपको पता चला? मैम कहीं भी नहीं जा रही थी मैं, इनके पास ही आती थी, इन्होंने बताया मुझे, इनसे बनवाती थी मैं बूट वगैरह, इन्होंने बताया। हाँ जी। तो आप ये फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं या आपके फैमिली में से मतलब या कोई आसपास? फर्स्ट टाइम में आई हूँ। आप ये बताइए आप कौन से गांव से आए हैं? हम चोड़पुर खुर्द से आए, छछरौली के पास से। छछरौली के पास से। हाँ जी। तो आप यहाँ पर जो सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है, एक अंग डोनेशन कैंप लगाया है इस सोसाइटी ने, इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? हमारे पास, हम पिछली बार आए थे जी, हम फोन गया था और हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती है हमारे गाँव की, उसने हमारे को बताया था और हमें लेकर आई थी, और उसके बाद हमारा यहाँ कार्ड बनाया था, उसके बाद फिर हमारे पास दोबारा फ़ोन गया तो और यहाँ हमने इनको व्हीलचेयर के लिए भी बोला था तो हम उसके लिए आए हैं जी यहाँ पर। अच्छा, तो आपको आपकी बेटी को क्या दिक्कत है? ये चल फिर नहीं सकता जी, ये 100% विकलांग है जी। अच्छा। हाँ जी, इसको कोई भी अंग काम नहीं करता जी, बिल्कुल भी। हाँ। तो सर आपने मतलब यहाँ पर एक बारी सिर्फ कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उसके बाद इन लोगों ने आपको खुद कॉल किया है? हाँ, ये करते रहा जी, अक्सर फोन आते रहा हमारे पास, कहीं आपको मतलब दाखिल करना जैसे जेपी हॉस्पिटल में, कई बार फोन आते रहा, अक्सर महीने में दो दो तीन दिन बार आते रहते हैं हमारे पास फोन। अभी थोड़ी देर पहले भी फोन आया, आप कहाँ? मैं जी मैं यहीं बैठे हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर की भी पूरी हेल्प मिलती है? हाँ जी हाँ, उन्होंने कह रखा है भी जब भी कोई इसको दिक्कत हो या इसकी मम्मी को या मेरे को, आप ये हमारा फ्री इलाज है मतलब कहने का, ये बोल दे। हाँ जी, अक्सर पिछले बार तो लगातार इसके महीने में 4-5 बार फोन आते रहते हैं जी। इसके इलाज में, आपके बेटे के इलाज में कोई खर्चा नहीं हुआ आपका? बिल्कुल अभी लग नहीं हुआ जी, और मैंने कराया भी नहीं आज इसका, पहले जब जब ये बीमार हो गया था पहले तो थोड़ा चले करा था ना, उसके बाद मैंने चंडीगढ़ दिखाया 1-2 साल लगातार, बस उसके बाद उन्होंने जवाब सही दे दिया था, अभी ये ठीक होना मुश्किल है, उसके बाद तो फिर कहीं गई नहीं है जी भाई, मैं तो देखो बीमार से मार से चलते रहता है जी बस। तो आप इस वेलफेयर सोसाइटी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी, हाँ शुक्रिया है जी, इतनी हेल्प कर रहे, चलो धन दे रहा अभी, चलो कोई भी बीमारी हो अगर हमें तीनों को, जैसे मैं इसके मम्मी है और मैं हूँ, तो ये बोल दे रहा हूँ कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, तो जब है ही नहीं बस इसी को आ जाना दिक्कत तो। हाँ जी ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत।